हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस जुडिकेटा, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में बताया गया है। राइट, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम पहले तो रेस जुडिकेटा फिनिश करेंगे, देन सेक्शन 10 पढ़ेंगे जो कि रेस सब जुडिस से बात के बारे में बात करता है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 जो कि बार के बारे में बात करता है टू फर्दर सूट्स। राइट, अगर हम सेक्शन 9 की बात करें जो कि हमने पहले पढ़ा था, जो कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर के बारे में बात करता है और ये बोलता है कि अगर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली कोई बार नहीं है, कोई ऐसा बार नहीं है सिविल कोर्ट के किसी पर्टिकुलर सिविल सूट को या सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करने के लिए, तो ये सिविल कोर्ट का इनहेरेंट राइट भी है और ड्यूटी भी है कि वो उस सिविल सूट का ट्रायल करे। राइट, तो बेसिकली अगर हम 10, 11 और 12 को देखेंगे, सेक्शन 10, 11 और 12 को देखेंगे, तो एक तरीके से ये एक बार की तरह ही काम करते हैं। राइट, अब ये किस तरीके से एक बार की तरह काम करते हैं, ये चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। राइट, ये लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड होंगे, रेस जुडिकेटा को मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। राइट, मेरा इरादा ऐसा है कि अगर रेस जुडिकेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए प्री या मेंस में, तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं इस इंटेंशन के साथ रेस जुडिकेटा काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डील करूंगा और बाकी प्रोविजंस के साथ भी मैं ऑब्वियसली ऐसा ही कर रहा हूँ। राइट, तो समझते हैं कि रेस जुडिकेटा होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर हम रेस जुडिकेटा का मतलब समझेंगे तो इसका लिटरल मीनिंग होता है अ थिंग विच हैज बीन डिसाइडेड, मतलब एक ऐसी चीज जिस पे निर्णय हो चुका है। राइट, डिसीजन लिया जा चुका है। राइट, रेस का मतलब अगर हम इंडिविजुअली देखें तो रेस का मतलब होता है थिंग, एंड जुडिकेटा मीन्स होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। राइट, तो रेस जुडिकेटा मीन्स अ थिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, अ डिस्प्यूट विच ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड। राइट, तो ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकेटा का, इट ऑपरेट्स एज अ बार टू द ट्रायल ऑफ अ सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन सेम पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान लेते हैं कि ए एंड बी के बीच में कोई डिस्प्यूट था एक पीस ऑफ लैंड को लेके। राइट, उस कोर्ट में केस इस उस केस में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि जो पीस ऑफ लैंड है उसका ओनर ए है। फिर से क्या करता है, अब बी क्या करता है, सेम फैक्ट्स में बी क्या करता है, वो दोबारा सूट फाइल करता है। राइट, वो ये बोलता है कि नहीं, दोबारा से इस केस को आप डील करो, दोबारा से हम देखेंगे। तो कोर्ट, ये जो पहले वाला जजमेंट था इस कोर्ट का, राइट, ये जो जजमेंट है इट विल एक्ट एज अ बार फॉर सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट सूट मतलब बाद में जो सूट फाइल किया जाएगा बिटवीन सेम पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, पार्टीज भी सेम है। तो सेक्शन 11 या जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है, अगर हम सेक्शन की बात अभी नहीं भी करें, तो वो जो कोर्ट है उसको इस सूट को ट्रायल करने से बार करता है, रोकता है। वो बोलता है कि अगर इस मैटर पे ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, राइट, तो दोबारा से इस केस को डील करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि एक बार एक केस डिसाइड हो गया है तो बार बार केस, सेम केस कोर्ट क्यों डिसाइड करेगा। राइट, इससे तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। राइट, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे। क्या मतलब है उसका, वो लॉजिकली साउंड भी नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का, वो लगभग हर लीगल सिस्टम में दुनिया में अप्लाई होता है। राइट, ये एक तरह का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हर लीगल सिस्टम में लगभग इस तरह के सिद्धांत आपको इस तरह के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। राइट, तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जो जजमेंट जिसने दिया वो कोर्ट इनकॉम्पिटेंट था, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो फिर अगला ट्रायल हो सकता है। राइट, इन सब चीजों पर हम धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी डिसीजन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दे दिया है तो उस डिसीजन को कंक्लूसिव माना जाता है, अंटिल उस डिसीजन को कोई हायर कोर्ट ने अपील में चेंज ना कर दिया और रिवर्स ना कर दिया हो। राइट, तो जो डिसीजन दिया कोर्ट का वो क्या होता है, वो फाइनल होता है, अनलेस रिवर्स बाय अ हायर कोर्ट। राइट, इसीलिए तो एक पार्टी जो अग्रीव्ड होती है वो अपील फाइल करती है, और वो अपील फाइल करके ये सोचती है, ये कोर्ट को प्रे करती है हायर कोर्ट को कि आप इस डिसीजन को रिवर्स कर दो, चेंज कर दो।
राइट। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये कोई टेक्निकल डॉक्ट्रिन नहीं है, एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जो कि बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ द जजमेंट एंड फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। राइट, कि जो जजमेंट होता है कोर्ट ऑफ लॉ का वो अपने आप में कंक्लूसिव होता है, वो फाइनल होता है। राइट, उसको बार बार आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसका एक तरीका है, तरीका क्या है कि आप अपील में जा सकते हैं, पर आप दोबारा से फ्रेश सूट फाइल करें वो अलाउड नहीं होगा, जबकि एक बार कोर्ट सेम मैटर में डिसीजन दे चुका है। राइट, तो ये एक लाइन है जो आप याद रख सकते हैं इसके लिए। राइट, कभी एग्जाम में जब रेस जुडिकेटा आता है तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं। इट सेज वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट। राइट, कि अगर कोई एक डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट में एक सूट फाइल करके एक डिसीजन कोर्ट का सफिशियंट है। उसमें आप एक ही डिस्प्यूट में मल्टीपल डिसीजंस के लिए कोर्ट थोड़ी जाओगे, आप मल्टीपल सूट्स थोड़ी फाइल करोगे कि आप बार बार कोर्ट जा रहे हो और वो कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया फिर उसके बाद दोबारा जा रहे हो, तो फिर कोर्ट के डिसीजन का मतलब क्या बचा। राइट, तो ये इस लॉजिक पे बेस्ड है। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी तीन थ्योरीज हैं जिन पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा बेस्ड है। राइट, तो द फाइनलिटी एंड कंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस फॉर द फाइनल टर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। राइट, तो ये बहुत ही फेमस मैक्सिम है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट, जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे तब भी आपको ये लिखना है, और प्री में भी ये पूछा जा सकता है। इसका मीनिंग का, इस मैक्सिम का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। राइट, और ये भी पूछा जा सकता है कि रेस जुडिकेटा का बेसिस कौन सा मैक्सिम है, तो उसमें एक ऑप्शन ये होगा। इट सेज इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सेट फिनिस लिटियम। इट मीन्स इट इज टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। राइट, तो ये माना जाता है एज अ पब्लिक पॉलिसी कि जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट जो है उसको एंड अगर उसका हो जाए तो ये स्टेट के फेवर में है, ये स्टेट के लिए अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर डिस्प्यूट्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, अशांति होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी। राइट, तो इसीलिए लॉ ये फेवर करता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हो उनको प्रॉपरली एंड कर दिया जाए। राइट, तो अब अगर एक डिस्प्यूट एक बार रिजॉल्व कर दिया है किसी कोर्ट ने तो बार बार उसको दूसरा कोर्ट ओपन नहीं कर सकता। राइट, क्योंकि अगर इस तरीके से चलेंगे तो फिर तो डिस्प्यूट कभी खत्म ही नहीं होगा। राइट, दूसरी थ्योरी देखते हैं क्या है। इट सेज नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूना एट ईडम कॉजा। इट मीन्स नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि सेम केस के लिए। राइट, हम मान लेते हैं पहले, अब इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए एंड बी का मसला था और फेवर में, ए के फेवर में जजमेंट आ गया था। अब बी क्या कर रहा है, बी दोबारा केस फाइल करने जा रहा है, तो ए को फिर से सब एविडेंस एड्यूस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। राइट, तो एक बार जब उसके फेवर में जजमेंट आ गया है तो बी के पास केवल ये ऑप्शन है कि वो उस जजमेंट को जो भी लीगल ग्राउंड्स हैं उस पर अपील में चैलेंज कर सके, फ्रेश सूट फाइल ना करे। राइट, क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया गया तो फिर तो ए बार बार परेशान होगा। राइट, बार बार एविडेंस देगा, बार बार अपना टाइटल प्रूव करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस सेकेंड थ्योरी है जिसपे ये प्रिंसिपल रेस जुडिकेटा का बेस्ड है। क्या है थ्योरी? नो वन शैल बी वेक्स ट्वाइस, मतलब किसी इंसान को बार बार दो बार परेशान नहीं किया जाएगा फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक डिस्प्यूट के लिए। देन रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटर। इट मीन्स अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। राइट, तो ये एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। राइट, कि जब भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट को करेक्ट ही माना जाएगा, अनलेस वो जजमेंट क्या हुआ है, अनलेस दैट जजमेंट हैज बीन रिवर्स्ड बाई अ हायर कोर्ट। राइट, तो अगर कोई किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो जजमेंट क्या होगा, वो जजमेंट वैलिड ही होगा, उसको एक सामने वाली, उसको जो पार्टीज हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, अनलेस अपील में उस जजमेंट को चेंज कर दिया हो हाई कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने रिवर्स कर दिया हो। राइट, अब अगर हम देखें, जनरली ये माना जाता है कि इंग्लिश लॉ की देन है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, पर अगर हम भारतीय जुरिस्प्रूडेंस को देखें तो उसमें एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ प्राग न्याय। राइट, प्रिंसिपल ऑफ प्राग न्याय, जो कि लगभग 2000 साल पहले हमारी स्मृतिज में मिलता है, जो बृहस्पति स्मृति है उसमें प्राग न्याय के बारे में बताया गया है। तो प्राग न्याय का मतलब होता है प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता था, ये प्रिंसिपल कहता था इफ अ पर्सन
who has been defeated in a suit according to law files the plaint. Once again, he must be told that he has been defeated already. This is called plea of प्राज्ञा कि अगर मान लीजिए जैसे ए और बी का मैंने एग्जांपल अभी लिया तो ए और बी में बी वो केस हार गया था वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसको ए को दे दी गई थी तो अब ऐसे केस में अगर बी दोबारा से केस फाइल करता है तो बी को उस कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये केस तो आपके फेवर में आपके अगेंस्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है आप बार बार इस चीज को रेज नहीं कर सकते. तो जो प्राज्ञा का सिद्धांत है बेसिकली ये भारतीय जुरिस्प्रूडेंस में भी था जो कि आज अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो हम इसको सीपीसी में रेस जुडिकेटा के तौर पे पढ़ते हैं राइट. तो अब बेसिकली जो इंटेंट है जो पर्पज है वो क्या है कि अगर ये रूल नहीं होगा रेस जुडिकेटा का तो देर वुड बी नो एंड टू लिटिगेशन एंड नो सिक्योरिटी फॉर एनी पर्सन. जो राइट्स हैं लोगों के वो एंडलेस कंफ्यूजन में रहेंगे और उससे बहुत इनजस्टिस होगा अंडर द कवर ऑफ लॉ. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट करता हूं राइट. मान लेते हैं जैसे ए और बी का मैंने एग्जांपल लिया था फिर लेते हैं. अब ये जो प्रॉपर्टी है लेट्स से ये जो पीस ऑफ लैंड है ये पीस ऑफ लैंड किसकी है ए की है और ए इस पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता है ठीक है. पर बी बोलता है बी भी क्लेम करता है बी बोलता है कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है. तो अभी ये इन दोनों प्रॉपर्टी इन दोनों लोगों के लीगल राइट टू प्रॉपर्टी का मसला है. तो ए क्या करता है ए ये सोचता है कि यार ये पहले मैं इससे पहले कि मैं इस बिल्डिंग पे पैसे खर्च करूं इस बिल्डिंग को बनाऊं इतना इन्वेस्टमेंट करूं मैं ऐसा करता हूं कि कोर्ट से जाके एक डिक्लेरेटरी डिक्री ले लेता हूं जिसमें कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका ओनर मैं हूं यानी ए है. तो जब वो डिग्री आ जाएगी उसके बाद बी अगर बी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता और ऑब्जेक्ट करेगा भी तो मेरे पास डिग्री होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और मैं बिल्डिंग यहां पे आराम से बना सकूंगा. तो ये मामला क्या है ये बेसिकली यहां पे ए क्या चाह रहा है ए ये चाह रहा है कि जो उसका लीगल राइट है प्रॉपर्टी का वो एक बार क्या हो जाए क्लियर हो जाए एंड एसर्टेन हो जाए कोर्ट की डिग्री के थ्रू. क्योंकि अगर ये एसर्टेन हो गया लीगल राइट तो उसके बाद वो इस पीस ऑफ लैंड का इस्तेमाल कर सकता है इस पे बिल्डिंग बना सकता है. तो अब वो कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट उसके फेवर में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सेक्शन 34-35 के अंडर एक डिक्लेरेटरी डिग्री इशू कर देता है और ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है पीस ऑफ लैंड जो है वो ए उसका ओनर है ठीक है. तो अब जब ये जजमेंट आ गया तो अब ए के पास क्या है ए के पास सिक्योरिटी है इस डिग्री की और ये क्लियर बात हो गई है कि ये जो लीगल राइट है ए का लीगल राइट इस प्रॉपर्टी पे है और ये प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती है. पर अभी जो सिक्योरिटी है इसकी अब हम अगर ये माने कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं होता राइट रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं होता तो अब ए के फेवर में डिक्लेरेटरी डिग्री आ गई थी तो कोर्ट क्या कर तो अब बी क्या करता बी दोबारा एक सूट फाइल करता फ्रेश सूट फाइल करता ठीक है और फिर यही सेम चीज क्लेम करता कि नहीं नहीं मेरी प्रॉपर्टी है ये तो मेरे फेवर में डिक्लेरेटरी डिग्री करो. तो उससे क्या होता उससे अब इस इंसान को जो इस पे बिल्डिंग बनानी है वो तो कभी बना ही नहीं पाता. क्यों क्योंकि इसका जो लीगल राइट है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है वही फिक्स नहीं हो पा रहा है ना लीगल राइट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है. तो अगर ये लीगल राइट क्लियर नहीं होता तो क्या होता ये एंडलेस ये चलता रहता कि कोर्ट ने डिग्री दी सामने वाली पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया दूसरा सूट फाइल कर दिया तो कभी भी ये जो डिस्प्यूट है ये डिस्प्यूट तो खत्म ही नहीं होता. इससे क्या होता है इससे ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आएंगी इन दोनों के बीच में राइट सोसाइटी को ओवरऑल अफेक्ट होगा प्लस जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कंट्री की वो इम्पैक्ट होगी क्योंकि अगर लोगों को उनके लीगल राइट्स ही क्लियर नहीं है तो कोई बिजनेस कैसे करेगा राइट कोई शादी कैसे करेगा अगर उनका स्टेटस लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है. तो इस तरह की जो चीजें हैं ना हो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है जो कि ये बोलता है कि एक बार अगर कोई डिस्प्यूट डिसाइड हो गया तो वो जो डिसीजन है वो क्या है वो फाइनल है राइट ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इन अपील राइट. आई होप आपको बहुत क्लियरली जो रेस जुडिकेटा है उसके पीछे का जो इंटेंट है जो ऑब्जेक्ट है वो समझ आ गया होगा राइट. तो रेस जुडिकेटा इज अ रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इज अ रूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी का रूल है रेस जुडिकेटा. तो इन सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बोला गया
कि जो रेस जुडिकेटा है दैट इज अ यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन जो कि फाइनैलिटी ऑफ लिटिगेशन पे या फाइनैलिटी ऑफ जजमेंट पे बेस्ड है, राइट। फिर अगर हम कुछ और जजमेंट्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक ही बात आप देखोगे रिपीट की है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है दिस इज बेस्ड ऑन नीड ऑफ गिविंग फाइनैलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस, कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको फाइनैलिटी देने की बात है, कि जो जजमेंट ऑफ कोर्ट है वो फाइनल होगा, उसको फाइनल माना जाए, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा बनाया गया, राइट। तो इट ऑल्सो सेज कि वंस अ रेस इज जुडिकेटा इट शैल नॉट बी एडजस्ट अगेन, मतलब एक बार कोई चीज जो है, वंस अ थिंग हैज बीन डिसाइडेड, वंस अ थिंग हैज बीन डिसाइडेड इट शुड नॉट बी एडजस्ट अगेन, इट शैल नॉट बी एडजस्ट अगेन, राइट। रूल ऑफ रेस जुडिकेटा जो है ये कहां पे अप्लाई करेगा, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करेगा, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो या फिर क्रिमिनल। हालांकि आपसे अगर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि क्या रूल ऑफ रेस जुडिकेटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है तो आप मना करेंगे, पर एक किस तरीके से क्रिमिनल पे अप्लाई होता है अगर आप देखोगे तो इस तरह का जो रूल है सेक्शन 300 सीआरपीसी में दिया हुआ है, जो कि एक तरह से रेस जुडिकेटा का ही एक जो वर्जन है क्रिमिनल लॉ में वो है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में भी, राइट, तो हर कसाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी ये अप्लाई होता है ट्रिब्यूनल्स की, राइट। तो जो भी कसाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं ट्रिब्यूनल की उनमें जो उनका ऑर्डर आता है उस पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होंगे। तो भले ही सेक्शन 11 CPC डायरेक्टली अप्लाई ना हो बट जो प्रिंसिपल्स हैं रेस जुडिकेटा के वो अप्लाई होते हैं, राइट। पर हाँ, सेक्शन 11 CPC का स्कोप कहां पे है, केवल सिविल प्रोसीडिंग्स पे ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। अब ये बोला गया कि जो डॉक्ट्रिन है ऑफ रेस जुडिकेटा इट शुड बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड लिबरली, राइट। बहुत सारे केसेस में जो रूल ऑफ रेस जुडिकेटा है उसको एक्सेप्ट किया जाता है अगर वो प्रूव कर दिया जाता है तो ये एक प्ली ऑफ डिफेंस होती है, राइट। और बर्डन किसके ऊपर रहता है इस रेस जुडिकेटा को प्रूव करने का, डिफेंडेंट के ऊपर रहता है जो कि प्ली रेज करता है। हालांकि हम आगे देखेंगे कि प्लेंटिफ भी रेस जुडिकेटा की प्ली रेज कर सकता है, किस मामले में, इश्यूज के मामले में, राइट। सूट के लिए तो केवल डिफेंडेंट रेज कर सकता है बट इश्यूज के लिए प्लेंटिफ भी रेज कर सकता है, ये हम आने वाले अभी थोड़ी देर से समझेंगे, तो आइए, ये हमने जब बैकग्राउंड पढ़ा रेस जुडिकेटा का, जुरिस्प्रूडेंस समझा, उसके बाद हम समझते हैं कि सेक्शन 11 क्या कहता है, इसको इसके जो अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो इट सेज नो कोर्ट शैल ट्राई, तो देखिए यहां पे शैल है मतलब मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर, ये इस एक तरह का किस तरह का प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है, इसमें डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट के पास, लॉ कोर्ट को मैंडेट करता है किस बात के लिए, दैट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। तो अब ये ध्यान रखिए, यहां से प्री का क्वेश्चन आता है, प्री का क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या रेस जुडिकेटा जो है वो डायरेक्टरी प्रोविजन है या मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन। दूसरा, रेस जुडिकेटा किन किन चीजों पे अप्लाई होता है, तो रेस जुडिकेटा सूट पे भी अप्लाई होता है और इशू पे भी अप्लाई होता है, कैसे होता है ये हम देखेंगे, पर ये प्री का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, ओके, बिटवीन द सेम पार्टीज, पार्टीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों सूट्स में, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं ए वर्सेस बी ना होके अगर अगले केस में ए का सन वर्सेस बी है तो क्या होगा, ये भी सेम पार्टीज ही मानी जाएंगी, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिसीजन आ गया था
तो उसको अब ए के अंडर कोई टाइटल क्लेम कर रहा है, मान लेते हैं उसका लीगल हेयर उसका बेटा बी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है, सेम मैटर है, तो भी इन दोनों को क्या माना जाएगा, सेम पार्टी ही माना जाएगा, राइट। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ओके, और द सूट इन विच सच इश्यू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाई सच कोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज के बीच में एक डिसीजन पहले एक कोर्ट दे चुका है, सेम मैटर है, सब कुछ सेम है, और जिस कोर्ट ने वो डिसीजन दिया वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट था, राइट, तो और वो ऐसा कोर्ट था जो अगला सूट है, जो दूसरा सूट पार्टीज फाइल करने की तैयारी कर रही हैं, उस सूट को भी वो एंटरटेन कर सकता है, राइट। तो ऐसे केस में जो दूसरा सूट है वो क्या होगा, बार किया जाएगा, दूसरे सूट का ट्रायल कोर्ट जो है नहीं करेगा, राइट, प्रोवाइडेड कि जो केस है वो हर्ट, वो जो प्रीवियस जजमेंट है, प्रीवियस कोर्ट है, प्रीवियस जो डिसीजन है वो कोर्ट का, वो डिसीजन ऑन मेरिट्स हो, राइट। मतलब ऑन मेरिट्स का मतलब दोनों पार्टीज के एविडेंसेस वगैरह अप्रिसिएट करके, कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिसीजन दिया हो, राइट, केवल टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस करके डिसीजन नहीं दिया हो, राइट। हम इन सब चीजों को वन बाय वन समझेंगे। फिर इसका एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि जो फॉर्मर सूट है, राइट, फॉर्मर सूट वो सूट माना जाएगा जिसका डिसीजन पहले आ गया, ना कि वो सूट जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, राइट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राइट। तो मान लेते हैं कि ए बी के बीच में एक सूट फाइल हुआ 26 फेब को, राइट, दूसरा सूट फाइल हुआ बी ने ए के अगेंस्ट फाइल करा 1 मार्च को, डिसीजन पहले 26 फाइव, डिसीजन पहले 1 मार्च वाले सूट का आ गया, राइट, इसका डिसीजन जल्दी आ गया, तो डिसीजन जिसका पहले आया है उसको फॉर्मर सूट माना जाएगा, ना कि उसको जो सूट पहले फाइल किया गया था, ये ध्यान रखिए, ये एक्सप्लेनेशन वन कहता है। एक्सप्लेनेशन टू कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट की बात करता है और ये कहता है कि अपील से इस चीज का लेना देना नहीं होगा, जब भी हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट था या नहीं था, राइट। एक्सप्लेनेशन थ्री बात करता है, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर, तो मतलब जो इश्यूज हैं वो एक्चुअल इश्यूज होने चाहिए, राइट, मतलब जो भी इश्यूज थे वो इश्यूज पहले ही, पहले वाले जजमेंट में डिसाइड हो जाने चाहिए, जहां पे एक पार्टी ने वो इशू अलेज किया और दूसरी पार्टी ने उसको या तो एडमिट किया या उसको डिनाई किया, और फिर कोर्ट ने अपना जजमेंट उन इश्यूज के बेसिस पे दिया, तो उन मैटर्स को हम मानेंगे, उन इश्यूज को हम मानेंगे मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू, राइट। आपने डेफिनेशन में देखा ये फ्रेज मेंशन है। एक्सप्लेनेशन फोर क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन फोर ये बोलता है कि कोई भी मैटर जिसको विच माइट और ought to have been, मतलब जिसके बारे में पार्टी को नॉलेज थी, राइट, जिस मैटर के बारे में, और ought मतलब और जो ये पार्टी की ड्यूटी थी कि वो रेज करे पिछले सूट में जो प्रीवियस सूट था, अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो क्या माना जाएगा, नहीं भी किया होगा तब भी ये माना जाएगा कि जो मैटर है, जिस चीज को उसने रेज नहीं किया है पर वो उसकी नॉलेज में भी था और पार्टी की ड्यूटी भी थी उस चीज को रेज करना, तो ऐसा माना जाएगा कि वो चीज, वो जो ग्राउंड ऑफ डिफेंस है या जो अटैक है, वो चीज जो है पार्टीज ने रेज की है, भले ही उन्होंने प्रैक्टिकली रेज ना किया हो, पर अगर उनकी ड्यूटी थी कोई बात कोर्ट को बताना, कोई इशू को रेज करना, तो अगर उन्होंने नहीं भी किया है तब भी ये माना जाएगा कि वो चीज जो थी वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू था। इसी को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देखिए पहले तीन एक्सप्लेनेशंस में जनरली ये नहीं पूछा जाता है कि एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है, टू क्या कहता है, थ्री क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन वन से ये पूछ लिया जाता है कि जो फॉर्मर सूट है उसका मतलब क्या होगा, क्या फॉर्मर सूट का मतलब ये होगा कि जबकि जो सूट पहले फाइल हुआ, या फिर ये होगा कि जिसमें डिसीजन पहले आए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर एक्सप्लेनेशन टू से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, राइट, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन थ्री से भी जनरली नहीं पूछा जाता है, प्री में नहीं पूछा जाता है, मेंस में
आपको ये लिखना पड़ेगा अगर रेस जुडिकेटा के बारे में क्वेश्चन आता है। पर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा किस एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है या कहां पे बताया गया है सीपीसी में। तो आपको हमेशा याद रखना है सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 में रेस जुडिकेटा के बारे में बात, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में बात की गई है, राइट। इन हम सब चीजों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन 5 ये बोलता है कि कोई भी रिलीफ जिसको क्लेम किया है प्लेंट में और कोर्ट ने वो आपको ग्रांट नहीं किया है, राइट, डिक्री में, तो ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट ने उस रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया है, राइट। कोर्ट ने अगर कोई रिलीफ आपने क्लेम किया और मान लो आपने बोला कि हमें इसमें मीन प्रॉफिट्स चाहिए, मीन प्रॉफिट्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। कोर्ट ने ये क्लेम किया कि मुझे, आपने मान लीजिए एज अ प्लेंटिफ ये क्लेम किया कि मुझे इस सूट में मीन प्रॉफिट्स भी चाहिए, पर कोर्ट ने मीन प्रॉफिट्स डिक्री में नहीं दिया आपको, मना भी नहीं किया कि हम नहीं दे रहे हैं, पर उन्होंने दिया ही नहीं, राइट, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं मीन प्रॉफिट्स के बारे में, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब कोर्ट ने मीन प्रॉफिट्स देने से आपको रिफ्यूज कर दिया है, राइट। तो अब जब मीन प्रॉफिट्स के लिए आप दूसरा सूट फाइल करोगे तो आपका जो सूट होगा दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, और ये माना जाएगा कि इस पे कोर्ट का डिसीजन मीन प्रॉफिट्स पे पहले ही आ चुका है और कोर्ट ने उस डिसीजन में आपको मना कर दिया है। तो आपका जो दूसरा सूट है, अगर आप केवल मीन प्रॉफिट्स के लिए फाइल कर रहे हो, तो दूसरा सूट आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, राइट। ये एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया जाता है कि किस उसमें लिखा हुआ है, राइट, और इसका कंटेंट भी एग्जाम में आता है। नाउ एक्सप्लेनेशन 6, एक्सप्लेनेशन 6 बेसिकली बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड, ठीक है। वो ये कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट बेसिकली क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट ये होता है कि जहां पे एक या दो लोग, राइट, सूट फाइल कर रहे होते हैं, मतलब डायरेक्टली पार्टी होते हैं, पर लगभग बहुत बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका भी सेम मुद्दा होता है और वो भी पार्टी होते हैं इसमें, राइट, भले ही केस में नाम एक दो लोगों का हो, राइट। तो ये जो बाकी के पार्टीज हैं, लेट्स से 500 जो लोग हैं उनका भी सेम इशू है और रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया गया है ए एंड बी के थ्रू, तो अब जो डिसीजन ऑफ कोर्ट आ गया इस केस में, उस वो जो डिसीजन है प्रोवाइडेड इन 500 लोगों को नोटिस था और ये पार्टी थे इस केस के, राइट, ये रिप्रेजेंटेड थे इस सूट में, ये जो डिसीजन है ये इन लोगों के ऊपर भी क्या होगा? इन लोगों के ऊपर भी बाइंडिंग होगा और बाद में ये जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, ये बोलते हुए सेम मैटर में फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते ये बोलते हुए कि नहीं हम पार्टी नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन 6 ये क्लियर करता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में अगर बाकी लोग जो जिनका नाम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो लोग रिप्रेजेंटेड हैं, राइट, जितने लोगों का भी जो राइट है वो डिसाइड हुआ है इस केस में, इन सारे लोगों पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा अगर ये सेम फैक्ट्स में सेम मुद्दे पे दूसरा सूट फाइल करते हैं उसी पार्टी के अगेंस्ट, राइट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट पे भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। देन एक्सप्लेनेशन 7, एक्सप्लेनेशन 7, और ये आपसे ये भी याद रखिए कि एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। देन एक्सप्लेनेशन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11 अक्सर हर एग्जाम में लगभग इससे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर होता ही होता है, राइट। एक्सप्लेनेशन 7 बात करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे भी अप्लाई होगा, राइट, ये भी आपको याद रखना है एक्सप्लेनेशन नंबर के साथ। देन एक्सप्लेनेशन 8, एक्सप्लेनेशन 8 बात करता है कि एक ऐसा इशू विच हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन। अब कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन क्या हो सकता है? हो सकता है उसका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्डिक्शन लिमिटेड हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो केवल रेवेन्यू के मामले ही देख पाए, तो मतलब रेवेन्यू कोर्ट, राइट, या फिर उसका जो पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड हो, राइट, वो केवल 10 लाख तक के ही मामले देख सकता हो, ठीक है। तो अब कोई इशू अगर पूरी तरीके से फाइनली डिसाइड किया है, ऑन मेरिट डिसाइड किया है किसी कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन ने,
जो कि कॉम्पिटेंट था उस इशू को डिसाइड करने के लिए, तो ये जो डिसीजन है, ये जो प्रायर डिसीजन है उस कोर्ट का, राइट, इट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, इन अ सब्सिक्वेंट सूट, राइट, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। तो बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन एट है, आपको ये तो याद ही रखना है कि कहाँ पे ये चीज दी गई है कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन का जो जजमेंट है वो भी रेस जुडिकेटा की तरह काम कर सकता है, भले ही सब्सिक्वेंट सूट जो पार्टीज फाइल कर रही हो उसको डिसाइड करने का ज्यूरिस्डिक्शन इस लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास ना हो। ये जो एक्सप्लेनेशन एट है, ये 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, उस अमेंडमेंट के थ्रू ये सेक्शन ऐड किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, प्लस एक्सप्लेनेशन एट क्या कहता है, आपको ये भी याद रखना है, राइट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए ये ऐड क्यों किया गया, पहले हम यही समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन एट और इस पे बात कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है और वो समझने में बहुत मुश्किल आती है, तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए जब हम सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं तो ये कह रहा है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है सेक्शन 11 का, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि अगर मान लीजिए ये कोर्ट है, कोर्ट वन मान लेते हैं हम इसको, कोर्ट वन ने रेस जुडिकेटा क्या है कि कोर्ट वन ने कोई डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट वन जो था एक दो पार्टीज के बीच में, वो इसने डिसाइड कर दिया, राइट, और ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन था, लेट से इसके पास केवल 10 लाख रुपए तक के मामले सॉल्व करने का ही राइट था, इसने डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब जब दूसरा सूट, मान लीजिए ए वर्सेस बी था, ये सूट ए और बी के बीच में केस था, अब ए जीत गया इस केस में, पर बी क्या कर रहा है, बी ये बोल रहा है सेम डिस्प्यूट, डिस्प्यूट टू रेज कर रहा है, सेम फैक्ट, सब कुछ सेम है, वो बोल रहा है इसी, वो बोल रहा है कि आप किसी और कोर्ट में ये केस फाइल कर रहा है, और ये बोल रहा है, अब यहां पे क्या हो गया, बी वर्सेज ए, बी ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर रहा है और बोल रहा है कि आप इस डिस्प्यूट को दोबारा रिजोल्व करो। तो अब ये तो बेसिकली रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स आ गए, तो रेस जुडिकेटा के कारण ये क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। पर 1976 से पहले क्या प्रोविजन था कि ये जो कोर्ट वन है, अगर कोर्ट वन इस डिस्प्यूट को भी डिसाइड कर सकता है और इस सब्सिक्वेंट जो डिस्प्यूट है इन दोनों पार्टीज के बीच में उसको भी डिसाइड कर सकता है, मतलब ये जो कोर्ट है ये कॉम्पिटेंट होना चाहिए पुराना डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए जो पहले सूट फाइल किया गया था, प्लस जो दूसरा सूट बी अब ए के अगेंस्ट फाइल करेगा इसको रिजोल्व करने के लिए भी ये कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर ये कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को रिजोल्व करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, ऐसा जो चीज है ये 1976 से पहले था। पर इस चीज को रिलैक्स करने के लिए, इस चीज को रिलैक्स करने के लिए, इस हार्शनेस को जो इस प्रोविजन के कारण आती थी, और पार्टीज बेसिकली क्या करती थी, देखिए मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल इसका कैसे तोड़ निकालती थी। बेसिकली मान लेते हैं तो ऐसे केस में क्या होता था, फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता था अगर कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने पहला पुराना डिस्प्यूट जो फॉर्मर सूट है जो डिसाइड किया था, अगर वो सब्सिक्वेंट सूट डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता था। तो पार्टीज इसका फायदा उठाती थी, कैसे उठाती थी, लेट्स से कोर्ट वन जो है उसको 10 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट्स रेज करने का, डिसाइड करने का अधिकार है, तो ए वर्सेस बी के बीच में डिस्प्यूट था, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ए के फेवर में, लेट्स से। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन है क्योंकि 10 लाख रुपए तक के ही डिस्प्यूट डील कर सकता है, पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन इसका लिमिटेड है। अब क्या हुआ कि बी ने क्या किया, बी बोल रहा है अभी बी के अगेंस्ट चला गया, तो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन अपील बी ने क्या सोचा, मैं फ्रेश सूट फाइल करूंगा, और इस बार इसने क्या करा, जो रिलीफ है वो 11 लाख कर दिया कि 11 लाख का रिलीफ मिलना चाहिए। अब जब बी ने 11 लाख का रिलीफ कर दिया तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में अगर हम 1976 के पहले वाली सिचुएशन देखें तो ये वाला जो कोर्ट है, कोर्ट वन, ये केवल 10 लाख तक के
डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है, पर जो 10 लाख से ऊपर के डिस्प्यूट्स हैं उनको ये एडजुडिकेट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में अब क्योंकि इसने थोड़ा सा जो भी है राइट, बाकी सारे रूल्स बाकी सारी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं, पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि जो कोर्ट है वो प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों एडजुडिकेट कर सके। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है और अगला सूट जो है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, वो डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि ये केवल 10 लाख तक के मामले सुन सकता है। तो अब इस टेक्निकलिटी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता था बिफोर 1976 अमेंडमेंट केम इन फोर्स। ठीक है, तो अब पार्टी इस लूप होल का फायदा उठाती थी और इस तरीके से वो रेस जुडिकेटा से बच जाती थी, तो एक ही डिस्प्यूट बार बार डिसाइड होता था। तो 1976 में क्या हुआ, 1976 में ये अमेंडमेंट लेके आए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लेके आई और उस अमेंडमेंट के थ्रू सीपीसी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए और वो चेंजेस इसलिए थे ताकि जो ट्रायल है वो स्पीडी तरीके से हो सके राइट, और ये जो डिले है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो उसमें एक चेंज उन्होंने ये भी किया कि जो मेन प्रोविजन है सेक्शन 11 का राइट, उसकी हार्शनेस को रिड्यूस किया। ठीक है, वो जो काफ़ी हार्श प्रोविजन था उसकी हार्शनेस को रिड्यूस किया और एक्सप्लेनेशन 8 ऐड किया और ये बोला कि अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है कोई और उसने अगर कोई डिसीजन दिया है किसी मैटर पे, तो भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने की कॉम्पिटेंस रखता हो या ना रखता हो, पर फिर भी उसका जो डिसीजन है फॉर्मर सूट में वो रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई करेगा अगर सेम पार्टीज रेस जुडिकेटा की बाकी जो कंडीशंस हैं फॉलो फुलफिल करते हुए दूसरा सूट फाइल कर रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट सूट होगा दैट विल बी बार्ड बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई राइट। तो अब अगर हम इसी एग्जांपल को दोबारा देखें तो हम इसको देखते हैं कि जो कोर्ट वन है इसने एक डिस्प्यूट डिसाइड किया और ये 10 लाख रुपए तक के ही मामले डिसाइड कर सकता है, इसने डिसाइड किया, अपना डिसीजन दिया, ऑन मेरिट डिसीजन दिया राइट। अब कोर्ट टू ने क्या किया, ठीक है डिसीजन दे दिया, अब बी है उसके अगेंस्ट ये डिसीजन गया, तो बी ने क्या किया, बी ने फ्रेश सूट फाइल किया इसी केस में और ये बोला कि 11 लाख वाला जो डिस्प्यूट है राइट, 11 लाख वाला जो डिस्प्यूट है 11 लाख रिलीफ क्लेम किया और कोर्ट को बोला कि आप इसे डिसाइड करो। पर 1976 के बाद इस केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा और ये पार्टी जो बी है ये क्लेम नहीं कर सकती कि नहीं, क्योंकि ये जो कोर्ट है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है और सब्सिक्वेंट सूट जो है वो ट्राई नहीं कर सकता, इसलिए रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा राइट। तो 1976 के बाद ऐसे मामलों में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन 8 है उसका जो मेन प्रोविजन है उसके साथ आपको अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा होगा, आपको उन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्लियर हो गया होगा राइट। इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर रेस जुडिकेटा के बारे में कोई डिसीजन देना है तो राइट। तो देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं रेस जुडिकेटा का बार अट्रैक करने के लिए जिनको फॉलो किया जाना चाहिए राइट। क्या है, दैट द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इश्यू इन द टू सूट्स राइट। मतलब मेन इश्यूज होने चाहिए, एक्चुअल इश्यूज होने चाहिए राइट दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस वो जो मेन इश्यूज हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ठीक है। मतलब जो डिसीजन होना चाहिए पुराने केस का वो इन इश्यूज के डिसीजन पे ही बेस्ड होना चाहिए राइट। फिर द प्रायर सूट मस्ट हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और पर्संस क्लेमिंग अंडर दैम ठीक है। पार्टीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अब पार्टीज सेम होने का मतलब क्या है, अगर ए वर्सेस बी है राइट, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, डिसीजन आ गया कोर्ट का, तो दोबारा बी ए के खिलाफ जाके केस फाइल करती है, बी प्लेंटिफ है, ए डिफेंडेंट है, तो इंटरचेंज ऑफ पोजीशन हो जाने से पार्टीज के बीच में, पार्टीज डिफरेंट नहीं होती, तब भी हम क्या मानेंगे कि पार्टीज आर सेम राइट। हम इसको और समझेंगे ठीक है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई ठीक।
अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये कह रहा है कि द कोर्ट विच डिटरमाइंड द अर्लियर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेनेशन एट के हिसाब से पढ़ेंगे। 1976 अमेंडमेंट के बाद मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन होनी चाहिए। द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट शुड हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन द अर्लियर सूट। मतलब जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी इशूज हैं फॉर्मर सूट में, पुराने सूट में, उन सूट्स उनको ऑन मेरिट डिसाइड करना चाहिए कोर्ट के थ्रू। तो फॉर्मर सूट में वो ऑन मेरिट डिसाइड हुए हों तो ही काम बनेगा। ऑन मेरिट डिसाइड होने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि दोनों पार्टीज के एविडेंसेस वगैरह अप्रिशिएट हुए हों, राइट, या अगर दोनों पार्टी एक्स पार्टे ऑर्डर भी हुआ है तो कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिसीजन दिया हो, केवल किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, राइट, केवल किसी टेक्निकल ग्राउंड पे डिसीजन ना दिया हो। टेक्निकल ग्राउंड पे कैसे, कि एक पार्टी आई नहीं, राइट, डिफॉल्ट कर दिया उसने कोर्ट के सामने आने में। तो अगर डिफॉल्ट कर दिया तो कोर्ट ने क्या करा, उसका केस डिसमिस कर दिया प्लेंटिफ का। तो ऐसे केस में अगर इस तरह का कोई डिसीजन आया है तो दिस डिसीजन डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरिट पे बात नहीं हुई है, यहां पे जो केस, जो पार्टीज हैं उनके एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए बात नहीं हुई है, यहाँ पे केवल टेक्निकल ग्राउंड पे सूट का डिसमिसल हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा है यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, राइट। अब एक और चीज आती है, एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर किसी कोर्ट ने डिग्री पास की है, ऐसे कोर्ट ने जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था, राइट, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो उसका जो जजमेंट है दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। ठीक है, तो मतलब हमने ऑब्वियसली देखा कि जो कोर्ट है, सेक्शन 11 क्लियरली बोलता है जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो फिर उसका जो जजमेंट है वो सेम मैटर में अगर अगला सूट फाइल होता है तो उसका जो जजमेंट है वो रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट करेगा। पर अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर इसका जो जजमेंट है वो रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई नहीं करने वाला, राइट। तो एक और चीज ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है प्री में। फिर द क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकेटा इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, राइट। तो जो रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है, राइट। द एक्सप्रेशन मैटर इन इशू इन सेक्शन 11 मींस द राइट लिटिगेटेड बिटवीन द पार्टीज, राइट। तो और जो ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन होता है, राइट, ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। ठीक है, आपको मैं यहां पे आपके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, तो मैं उस डाउट को अभी यहां पे क्लियर कर देता हूं विद फ्यू एग्जांपल्स, राइट, ताकि आपको आने वाले समय में ये समझने में प्रॉब्लम ना हो जहां पे भी आप ये दो वर्ड्स, ये दो फ्रेजेस सुने। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे बेस्ड होता है। मतलब कि क्या किसी कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। या फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लें तो हम ये देखेंगे, अगर आर्टिकल 21 की हम बात करें तो आर्टिकल 21 ये बोलता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, राइट। ना ही किसी को राइट टू लाइफ, ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जाएगा एक कानून सम्मत प्रक्रिया बनाए बिना, उसके बिना, राइट। ये बात करता है आर्टिकल 21। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या राइट टू स्लीप राइट टू लाइफ का हिस्सा है, राइट, क्या राइट टू क्लीन एनवायरमेंट राइट टू लाइफ का हिस्सा है अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली अब इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या देख रहे हैं, हम आर्टिकल 21 की जो भाषा है
आर्टिकल 21 जो लॉ लेड डाउन करता है, हम उस लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ का मतलब अंडर आर्टिकल 21 कानून के दृष्टि से क्या हो सकता है, राइट? तो यहां पे हम लॉ की का स्कोप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस लाइफ वर्ड का इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, राइट? हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ए ये अलेज करता है कि उसने बी को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, और बी को, और वो अब इन 5 लाख रुपए को विद इंटरेस्ट वापस मांग रहा है। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए? ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है? ठीक है, ए ये बोल रहा है कि मैंने बी को जो 5 लाख रुपए दिए, मैंने उसका चेक नहीं दिया था, मैंने उसको कैश में दिया था, इन हैंड कैश दिया था। तो अब ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या इसने कैश दिया था या चेक से दिया था, राइट? अब इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूव करने के लिए हो सकता है ये सीसीटीवी फुटिंग दिखाए, करेंसी का नंबर बताए, वट एवर इट इज, कुछ विटनेसेस को लेके आए और वो बोले कि इनके सामने मैंने ऐसा पैसा दिया है इसको। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अब फैक्ट का मतलब तथ्य से होता है और जबकि लॉ का मतलब कानून से होता है। तो जहां पे कानून या लॉ के इंटरप्रिटेशन, लॉ की मीनिंग की बात आ जाए, उसके स्कोप की बात आ जाए, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। पर अगर तथ्यों के बारे में बात आए कि ए शाम 5 बजे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट गया था या नहीं गया था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये फैक्ट है कि वो गया था या नहीं गया था, ये भी फैक्ट है, राइट? इसमें कानून का तो कुछ लेना देना है नहीं, पर ये कानून का विषय है कि क्या जो लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, पर्सनल लिबर्टी, क्या इसमें किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार भी आता है कि आपका मन हो रहा हो कि नहीं मुझे इस इंसान को जोर से थप्पड़ मारना है, तो क्या ये आपकी पर्सनल लिबर्टी में आता है? अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जहां पे आप पर्सनल लिबर्टी का मतलब समझना चाह रहे हैं, राइट? तो ये अभी तक इस लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 11 के बारे में, जो एक बार हमने इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो समझे, हमने ये समझा कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है इसके पीछे का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। भारत में प्राग्न्याय था, इस प्राग्न्याय का सिद्धांत था जो रेस जुडिकेटा जिस पे बेस्ड है, राइट? हमने जो पूरा इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो बैकग्राउंड है, हमने वो समझा। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत डिटेल में समझेंगे। Thank you.